इस वक्त गिफ्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में खुलने की तैयारी भी कर रहे हैं। मेजर जो सपोर्ट आज आते हुए दिख सकता है वो आपको क्लियरली जो अभी फिलहाल स्टॉक्स दिख रहे हैं उसमें आपको L&T हीरो मोटर कॉर्प जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। IT स्टॉक्स को देखना होगा एक बड़े ड्रैग डाउन के बाद क्या आज उनमें एक रिकवरी अटेम्प्ट होती है। 7-8% का डेंट इंफोसिस पे था शुक्रवार को, आज किस तरह से खुलते हैं। सो बाजार 19,750 के पास उसके ऊपर ही खुले हैं और बड़े जो गेनर्स हैं इस वक्त उसमें इंफोसिस इस वक्त 1.5% रिकवर हुआ है। L&T आपको दिख रहा है, हीरो मोटोकॉप, बैंक्स नंबर अच्छे आए थे, ICICI बैंक तो अच्छा है नंबर्स, लेकिन कोटक बैंक एट द सेम टाइम इस वक्त टॉप लूजर भी है जबकि निम्स बढ़कर यहाँ भी आए हैं। 5% के ऊपर निम्स कोटक बैंक के हैं। IT स्टॉक्स में दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जो रिकवरी अटेम्प्ट करें? HCL टेक, वहाँ 1% की तेजी है। टाटा TCS हो, विप्रो हो, वहाँ पर 0.5% के करीब की मजबूती दिखाई दे रही है। बैंक्स में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तो प्राइवेट सेट ऑफ बैंक्स में इस वक्त आपको ICICI, एक्सिस, तो बड़े बैंक्स, इसीलिए आपको बैंक निफ्टी में मूव भी दिख रही है। तो IT बैंक्स दोनों से अभी फिलहाल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ड्रैगर रिलायंस 2% की कमजोरी रिलायंस पर दिख रही है। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स और नंबर्स से पहले एक तेजी आ भी चुकी थी। FMCG पैक के सेट ऑफ नंबर्स में FMCG में HUL, यहाँ पर आपको याद होगा लास्ट वीक नंबर्स आए थे, वॉल्यूम ग्रोथ उस तरह की एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आई थी, अभी भी आपको वहाँ ड्रैग दिख रहा है। ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स पर ड्रैग दिख रहा है और इनफैक्ट आपको पेन स्टॉक्स में जितने कंज्यूमर स्टॉक्स हैं उन पर भी आपको थोड़ा सा ड्रैग दिख रहा है। देखना होगा कि कहाँ से रिकवरी अटेम्प्ट होती है और क्या रिलायंस जो कि खुलने के बाद थोड़ा सा तो रिकवर हुआ है लेकिन अभी फिलहाल ड्रैग डाउन कहाँ से आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लाल निशान में स्लिप हुए हैं, मेजरली ड्रैग डाउन बाय कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक्स के जो गेन्स थे ICICI बैंक के वो भी थोड़े इरोड हुए हैं। तो बैंक्स ड्रैगर करेंगे, मिड कैप स्पेस में क्या क्या एक्शन दिख रहे हैं? बैंक्स देखना होगा कितने संभाल पाते हैं निफ्टी को और निफ्टी बैंक को, लेकिन अगर हम मिड कैप स्पेस की बात करें तो प्रियंका वहां तो बाहर है ही, वहां पर आप चौके छक्के लगते रहते हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो कि आपको वामाक्षी बता रही थी कि बढ़िया रिपोर्ट्स उस पर हैं और ये शेयर ऊपर है, 6.5% ऊपर चल रहा है। ये टीटागढ़ वैगन्स नतीजे अच्छे आए थे, टीटागढ़ रेल सिस्टम अब नाम हो गया इसका, लेकिन ये शेयर अब 7.5% की तेजी यहाँ पर हो रही है। ये दो शेयर आज आपको अच्छे चलते हुए दिखाई देंगे। रेलवे स्टॉक्स चल रहे हैं, RVNL यहाँ पर आपको 5% के आसपास की तेजी दिखेगी। रेल टेल हमारे फोकस में है ये शेयर और तमाम एक्सपर्ट्स ने आपको सुझाया भी है खरीदने के लिए, 160 रुपये के आसपास से करीब करीब 4-5% की तेजी यहां पर होगी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नौकार कॉर्प, आरती ड्रग्स 8-10% की तेजी इन दोनों शेयरों में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें मिड कैप स्पेस में तो हम देख रहे हैं कि तेजस नेटवर्क्स 7% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बायकॉन जिसको लेकर खबरें भी कुछ थी वहाँ पर 2.5% के आसपास की कमजोरी है। IGL 1.5% कमजोर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी फोकस में है अपने नतीजों के बाद, यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी है, 3% के आसपास की कमजोरी इस शेयर में आज हमें देखने को मिल रही है। अगर हम फ्यूचर से कुछ और लूजर्स की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए अतुल लिमिटेड, ये करीब करीब 2.5% शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। एम्फेसिस, क्योंकि ये शेयर चल रहा था IT स्टॉक्स जहां एक तरफ गिर रहे थे, ये शेयर बहुत धमाकेदार तरीके से शुक्रवार को चल रहा था, वहां पर आज रफ्तार पर ब्रेक लगी है, 2% ये शेयर नीचे आया है। और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़े से कमजोर साइड पर नतीजे आए थे वेदांता लिमिटेड के, वेदांता में 2% के आसपास की कमजोरी हमें आज देखने को मिल रही है।